चलो केस स्टडी क्वेश्चंस पे क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 क्वेश्चन नंबर केस स्टडी जो सैंपल पेपर 2 का ये डिस्कशन चल रहा है, इसमें से अभी 12 ये पार्ट वाइज इसलिए करना पड़ रहा है, रात में बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मस्किटो है ये परेशान करता है, थोड़ा सा जाता है तो टच कर जाता है तो प्रॉब्लम दे देता है, फिर वन बाय वन हो जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हो ये क्या बैठ गया, उठो। चलो तो सबसे पहले हम आते हैं केस स्टडी पे। यहाँ पर केस स्टडी में 3 केस स्टडी दिया गया है। अब इसको हम लोग चेक करें तो ये टोटल 12 मार्क्स आता है, 12 मार्क्स का, तो इसको हम लोग को देखना पड़ता है। देखो कहता है इसको हम लोग नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। सोचो कि अगर 80 नंबर का है और 80 में 12 और 12 में हम लोग डिवाइड करें तो हमें चार चार मार्क्स आता। देखो देख रहे हो ना, ये 2 1 1 नंबर, यानी एक इस पर पढ़ो और इस पर पढ़ो और ये क्वेश्चन आ जाए, इससे बढ़िया और क्या है कि एक टॉपिक सिलेक्ट है हमारे पास और उस टॉपिक पढ़ेंगे और उससे मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको हम नजर अंदाज भी नहीं कर सकते और केयरफुली हमको लिसन भी करना पड़ेगा और टकटकी लगा के देखना है, ये ध्यान में रखना। चलो कहता है कि ऑन द रोडवे, रोडवे का मतलब होता है सड़क, पॉइंट ए एंड बी बीच स्टैंड इन इन फॉर चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र। मान लो कि हमारे पास 2 पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पर मान लो ए है तो दूसरा पॉइंट यहां पर मान लो कि बी है। तो एक अगर है चंडीगढ़ में, एक है चंडीगढ़ में, ठीक है, और एक तुम्हारा कहां मिलेगा, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र है कहां, तो सुना होगा कि हरियाणा में मिलेगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, आर लोकेटेड नियरली 90 किलोमीटर अपार्ट और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिखेगा वो दिखेगा 90 किलोमीटर का, जैसे बोला लिख लो। उसके बाद एट द सेम टाइम ए कार डिपार्ट्स, एक कार वहां से चलना शुरू करता है फ्रॉम कुरुक्षेत्र एंड वन फ्रॉम चंडीगढ़, दोनों एक ही समय में दोनों जगह से कार क्या होता है चलना शुरू कर देता है, एक चंडीगढ़ से और दूसरा कुरुक्षेत्र से। दिस कार विल कोलाइड इन 9 आवर, कहता है कि जब एक जगह से चलना शुरू करता है तब दोनों दोनों 9 घंटा में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कब, इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तब। तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड मान लेते हैं कितना, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी फर्स्ट केस में जब दोनों एक ही तरफ मूव कर रहा है तब की बात बता रहा हूं। ठीक है, अब ये पहुंच टकराता कितना घंटा में, 9 घंटा में, कितना घंटा में, 9 घंटा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है मेरा, वो ध्यान से सुनना। देखो अगर ये जो क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का है तो इसको बनाने का टेक्निक है क्या कि जो आगे जा रहा है ना उसको रोक दो। अब कह रहे रुक गया कैसे, तो चल रहा था स्पीड से, हम कहते हैं रोक दो उसको। अब रोकने का मतलब है उसका स्पीड कितना देंगे, 0। अब जब इसका स्पीड 0 दोगे कब होगा 0, जब हमको इधर का वाई देना पड़ेगा। अब बताओ y में से y क्या हो जाएगा, 0। तो इसको जब देंगे y इधर का तो हमको इसका भी स्पीड देना पड़ेगा इधर का y। इसका मतलब हम इसको धीरा कर दिए तो इसको रोक दिए, तब जब इसका स्पीड हम टोटली स्पीड निकालते हैं कि कितना से जाएगा ओवरऑल, तो इधर जब जा रहा है तो x बड़ा होगा और y छोटा होगा, तो इसका नेट स्पीड अब मिलेगा वो x माइनस y होगा। इसका स्पीड क्यों, x था जाने वाला और y था रोकने वाला, तो इसका स्पीड कितना हुआ, x माइनस y। अब बताओ ये तो रोक दिया हमने, इसको क्या कर दिया, रोक दिया। अब जब रोके हैं तो कोलाइड तो करना है 9 घंटा में। अब 9 घंटा में जब कोलाइड करेगा मतलब ये है कि यहां से एक को ही चल करके इसके पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कोलाइड करना है, ये तो रुक गया, इसको रोक दिया गया है। तो इसको जब हम उठा के यहां से कहेंगे यहां चलो, तो इसका मतलब कि चलेगा कितना किलोमीटर, ये चलेगा 90 किलोमीटर। ठीक है, और कितना स्पीड से, x माइनस y स्पीड से, कितना टाइम लगा, 9 घंटा। तो अब जब क्वेश्चन इसमें हम लोग देख रहे थे कि वेन बोथ कार
move in the same direction, then find the situation can be represented up algebraically. तो बता दो फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है. तो जैसे हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट वाला में कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और बाय क्या होता है टाइम. बताओ कि स्पीड इसके पास कितना बचा, एक्स माइनस वाई. डिस्टेंस कितना चलना था, 90 किलोमीटर, और कितने घंटा में, 9 घंटा में, कटेगा तो 10. तो इसका आंसर मिलेगा x माइनस वाई बराबर 10, इक्वेशन 1. बस समझ आ गया कितना इजी था इसको. तो याद रखना अगर तुम्हारा देखो सेम डायरेक्शन जब कुछ भी रहे अगला को रोक दो और उसका स्पीड दूसरे को दे दो लेकिन डायरेक्शन को रिवर्स कर. अब इसी को हम समझते हैं सेकेंड वाले. अब कहता है नेक्स्ट कि दिस कार्स कोलाइड इन आई हम. अब एंड के बाद इन 9.7 आवर में 9.7 आवर में भी कोलाइड करता है लेकिन कब, इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द अदर डायरेक्शन. जब अपोजिट में जब चलेगा तब उसमें टाइम कितना लेता है, 9/7. तो ये वाला को मान लो कि इधर चल रहा था 1 किलोमीटर पर आवर और ये वाला मान लो कि चलने लगा इधर का y किलोमीटर पर आवर. लेकिन हम क्या बोले, इसको रोक दो. जब इसको रोकेंगे तो इसका स्पीड देना पड़ेगा इसको लेकिन इधर के ना था तो इसको देंगे किधर का, इधर का. और जब बताओ कि इधर का जो स्पीड हम इसको देंगे y, तो ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद नेट स्पीड जो देखने को मिलेगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेगा. तो अब इसके लिए अगर चलते हैं और वाले के लिए, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन के लिए था तो स्पीड कितना मिला, x प्लस y बराबर डिस्टेंस कितना था, 90 किलोमीटर. टाइम कितना लिए चलने में, 9/7. 9 से कटेगा 10, इस साथ कहां जाएगा ऊपर, तो x प्लस y बराबर 70, इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया किसका और का आंसर. अब क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार x, यानी कि a का स्पीड निकालना है. तो एक जगह तुमको दिया गया है x माइनस वाई बराबर 10 और एक जगह x प्लस वाई बराबर 70. सॉल्व कर लोगे, जोड़ दो, जोड़ेगा तो y y खत्म, x x कितना 2x और यहां पर 70 10 4 80, तो 80 है 2 से कटेगा कितने बार में, 40. तो a का आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर. अब क्या करो, इक्वेशन 2 से चलो या 1 से किसी से चल सकते हो. तो x प्लस y बराबर 70 और ये हो गया 40, तो y यहां से तुम निकाल सकते हो और y आया 70 माइनस 40, 30 किलोमीटर पर आवर. कोई दिक्कत, तो कैसा लगा, बस समझ आ रहा होगा. तो अब इस वीडियोस को जो तुम बता रहे हैं इसको क्या करना है कि एक बार पहले आप अच्छे से देख, ठीक है, और देखने के बाद एक बार जो आपका जो इडू कार्ड का जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसको आप पहले निकाल करके देखो और निकाल करके देखना, बना करके देखना कि बनता है कि नहीं. और कोई लोगों ने क्या करता है, कई लोगों ने ऐसे बनाता है कि 1/x, 1/y करके, कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है. आप ऐसे भी डायरेक्टली बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. तुम बता सकते हो कि इसका स्पीड इतना हो जाने वाला है, ठीक है. तो अगर तुम अगर फायदा हो रहा है तो अब क्या करो, अपने दोस्त को बताओ, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन के जमाना ये नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है. अगर यही रहता कोई कंपटीशन का तो हम नहीं कहते कि उसको बता, ऐसे भी लगता है उसको बताएंगे तो क्या वो निकल जाए, नहीं. ये अगर जिसमें ये भावना आ गया कि हम उसको बताएंगे तो आगे निकल जाएगा, तो याद रख लेना जो जेलस होता है ना, जो नेगेटिव सोचता है वो खुद और नेगेटिव हो जाता है. इसलिए दूसरे को अगर पढ़ेगा तो जब ज्यादा होगा तो उसके पीछे हम भी तो भागेंगे, हम भी तो सेलेक्ट करेंगे. तो इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी होता है ताकि अपने दोस्तों को पता चले कि वो भी पढ़े और वो भी आगे बढ़े. तब हमारे इंडिया तो अभी देखिए लो कितना आगे निकल रहा है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोइंग जो स्टेट है, कंट्री है, वो इंडिया है. और उससे ज्यादा और लाने की पॉसिबिलिटीज हम लोग रख सकते हैं.
तो ठीक है, तो आई रिपीट अप हमेशा काम आगे की ओर बढ़ते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात याद रखना कि एक क्वेश्चन आपको लेसन 14 यानी आरएस अग्रवाल और 10 लेसन एनसीईआरटी जिसका चैप्टर का नाम है हायर एंड डिस्टेंस, एक क्वेश्चन हमेशा आएगा वो भी कैसा, केस स्टडीज, तो इसको हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये सबसे आसान होता है हायर एंड डिस्टेंस, तो इसको भी केयर करके रखो। तो देखो क्वेश्चन, ईशान परचेज एंड न्यू बिल्डिंग, ईशान कोई नाम के आदमी था, वो बिल्डिंग नया परचेज करना चाहता है बिजनेस के लिए, बीइंग इन द प्राइम लोकेशन, लेकिन चाहता है कि जिसको जो लोकेशन मिले वो तो बढ़िया जगह लोकेशन मिले। सी डिसाइड टू मेक सम मोर मनी बाय पुटिंग अप एन एडवर्टाइजमेंट साइन फॉर अ रेंटल एंड इनकम ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। सोचा वो ये कि अगर प्राइम जगह मिल जाएगा तो कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे ऊपर बैनर लगाएगा छत के ऊपर, तब क्या होगा, पैसा कमा लेंगे, प्रचार को लगाए तो पैसा कमा लेंगे। तो इसके लिए उसने सोचा कि हमको ऐसा जगह हमको मिले बिल्डिंग। तो देखो यहां पर देख रहे हो बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर में एलईडी लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है और वहां पर एडवर्टाइजमेंट चलाया जा रहा है। अब बताइए ऐसा तो गया साहब में मिलेगा नहीं, एक जगह है जीबी रोड के आसपास, ठीक है, ऐसे देखोगे तो दिल्ली सब में मिलने वाला है। चलो तो चलो ऐसा हो गया, शॉप वगैरह भी खुल सकता है, उस पर रेंट लगा सकता था। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन में मेंशन किया, ये तो कहानी थी उसकी। कहता फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी पॉइंट यहां दिया जो बिल्डिंग था उसी के लिए, ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, तो रूफ कौन है भाई, तो घर का रूफ ये वाला है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया 30 डिग्री। फिर कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड, जो बोर्ड लगाया गया उसका टॉप का 45 डिग्री है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। द पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर, तो यहां से डिस्टेंस यहां की 24 मीटर है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द एवम इंफॉर्मेशन, इस एवम इंफॉर्मेशन तो मिल गया, अब आंसर फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विदाउट द साइन बोर्ड, ये साइन बोर्ड का नहीं चाहिए तुम्हें, बस आई इस वाला का बिल्डिंग का है नाम दे दो ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ए बी सी, अगर साइन बोर्ड के छोड़ दे तो हाइट हमारा ए बी मिल जाएगा, तो ये ए बी हमको हाइट चाहिए, तो ए बी चाहिए, तो बताओ ये ट्राइंगल हमको चलना पड़ेगा क्या पी ए बी में, बोलो। तो जैसे अगर चलेंगे इन ट्राइंगल पी ए बी, बताओ एंगल कितना होगा 30 डिग्री, तो यहां से चलेंगे tan 30 इज इक्वल टू ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग बाय बेस, और बेस कितना दिया है 24, वैल्यू निकालो 1/√3 इज इक्वल टू कितना आएगा ए बी बाय 24, भेज दे तो 24/√3 और बराबर में ए बी। अब तुम ही बता दो इसको अगर काटना चाहते हैं तो इसमें 8 और 3 है, तो 8 और कितना है 3 और नीचे है √3 इज इक्वल टू ए बी, बताओ √3 इसमें कट रहा है कितने बार में, √3 से, ऐसा क्यों, क्योंकि 3 में √3 क्या हुआ था 2, तो 2 को में से काट दो, तो यानी ए बी जो मिलेगा वो हमको आएगा 8√3 मीटर। चाहते हो उसको बनाने के लिए तो 8 × 1.732 भी लिखोगे आंसर, फाइंड आउट हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या आता है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ, लेकिन किसके साथ, साइन बोर्ड के साथ, यानी एसी पूछ रहा है तो उसको आएगा 24, क्यों ध्यान दो इसमें क्या पूछा एसी, तो आप 45 डिग्री यूज करेंगे, तो जैसे हम लेंगे tan 45, ठीक है, तो कितना आएगा एसी परपेंडिकुलर और बाय बेस 24, इसका वैल्यू 1, तो एसी बाय 24 भेज देंगे 24 बराबर एसी, तो यानी हाइट कितना जाएगा फिर साइन बोर्ड 24, तो ये आंसर किसका है और का, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट फाइंड द हाइट ऑफ द साइन बोर्ड, अब पूछा है
साइड बोर्ड का हाइट बताओ, यानी बस इसको बताओ। तो इतना तुमने तो निकाला 24 और इतना निकाला 8√3, तो 24 में से घटा देंगे, ठीक है। तो जैसे इसको अगर घटाना चाहेंगे तो देखो, देखो कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। तो अब हम बनाते हैं बी के लिए, ठीक है। तो टोटल कितना था, हमको चाहिए था बीसी, कौन चाहिए बीसी साइन बोर्ड का लेंथ, तो होगा एसी माइनस एबी। एसी आया 24 और एबी आया 8√3, जो भी आएगा आंसर कर देना, 8 × 1.732 आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना और ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड। ये साइन बोर्ड के टॉप यहां है, यहां से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये कितना होगा 24√2। कैसे देखो, अब बताओ ये तुमको पता चल गया 24, या तो ये भी है 24 और एंगल कितना है 45 डिग्री, तो पूछा कौन हाइपोटेनस, तो बी और एच या पी और एच साइन या तो कॉस होगा, कोई भी ले लो काम हो जाएगा। तो मान लो हम कॉस लेते हैं, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इसका, एच निकालना है, इसका वैल्यू 1/√2 बराबर 24 और बाई एच, भेज दो एच ऊपर में, तो एच बराबर 24√2। वैल्यू निकालना चाहते हो तो एच बराबर 24 × 1.414, जो भी आएगा इतना मीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, तो ले सकते हो इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी है और वो लास्ट भी। चलो क्वेश्चन है 38, इन ए टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वुडन पार्ट आर अज्यूम्ड, वुडन पार्ट आर असेंबल एंड पेंटेड टू प्रिपेयर ए टॉय। कहता है कि वुड को यूज करता है और असेंबल करता है और उसको फिर क्या करता है बाद में पेंट कर देता है, असेंबल करके पेंट करता है, ठीक है। वन स्पेसिफिक टॉय इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, कहते हैं मिलता है कोन के जैसा, सिलेंडर के ऊपर में ये माउंटेड है। फॉर द वुड प्रोसेसिंग एक्टिविटी सेंटर द वुड इज टेकन आउट ऑफ अ स्टोरेज टू बी सेव, आफ्टर विच इट अंडरगोज रफ पॉलिशिंग, देयर इज कट drill and has hole punch in it, it is then fine polished and using sandpaper। यानी फिर से क्या करता है कि वो फिर से जितना पेंट करके लाया था ना सब को छुड़ा देता है सैंडपेपर से और फिर से वो पेंट उठ करेगा। तो फॉर द रिटेल पैकेजिंग एंड डिलीवरी एक्टिविटी सेंटर द पॉलिश्ड वुड सब पार्ट आर असेंबल टुगेदर देन डेकोरेट यूजिंग पेंट। क्या बोला कि जितना अलग जो पेंट करके लाया था सब को छुड़ा दिया अब शेष पत्ता से यानी सैंड पेपर से, अब जैसे छुड़ा दिया तो उसके बाद अब फिर से असेंबल करेगा तो अच्छा लगना चाहिए, तो उसको फिर से क्या करेगा पेंट करेगा। और बता रहा है कि टोटल हाइट जो टॉय का है वो 26 है और कोन का हाइट है 6, द हाइट ऑफ द इट्स कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द बेस पार्ट इज 5। जो डायमीटर जो है ना बेस, किसका बेस कॉनिकल का, वो तुम्हारा कितना है 5, तो इसका रेडियस निकालो ना 5/2 होगा। अब एंड द सिलेंडर पार्ट इज 4, तो इसका डायमीटर 4 था तो रेडियस कितना होगा 2 होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इट्स सिलिंड्रिकल पार्ट इज टू बी पेंटेड येलो, सिलिंड्रिकल पार्ट को हम पेंट करते हैं येलो से
तो फाइंड द सरफेस एरिया नीड टू बी पेंटेड, तो पूछ रहा है कितना भाग को हम लोग पेंट करेंगे। एक बात समझो, नीचे सिलेंडर पेंट करना है पूरा, तो ये सिलेंडर आता और एक से तो ऊपर रख दिए, तो ऊपर वाला भाग पेंट होगा क्या फिर से? नहीं होगा, क्योंकि क्रिपर ऊपर से रखे ना, नहीं होगा। लेकिन ई वाला तो सरफेस करे पड़ेगा, और ई वाला करेंगे इसका मतलब है कि 2πRH करे पड़ेगा, प्लस नीचे वाला तो हम उठा सकते, तो नीचे वाला दिख जाएगा, तो दिखेगा तो अच्छा लगना चाहिए, तो नीचे वाले को पेंट करेंगे और नीचे वाला होता है सर्किल, तो πR² लिखेंगे। बताए यहां से πR कॉमन ले लो, तो 2H और प्लस बचेगा R। अब ध्यान देना, π 22/7 इंटू आर कितना आया 2, 2 इंटू एच कितना इसका होगा, तो टोटल है 26 में से 6 घटा देंगे 20, और प्लस में कितना 2, बताओ यहां से नहीं कटेगा 44/7 इंटू 20 × 40 और 42, यहां से कटेगा 6 बार में, तो आया 44 × 6 = 24 × 24 = 26, किस में था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना भाग में हमको पेंट करना पड़ेगा। कौन सा कलर? येलो से। इफ इट्स कॉनिकल पार्ट इज टू बी पेंटेड ग्रीन, कहता है कि अगर कॉनिकल पार्ट को पेंट करेंगे ग्रीन से, तो फाइंड द सरफेस एरिया नीडेड टू बी पेंटेड, कितना पेंट हमको करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर के तो करे पड़ेगा पाई आर, तो हमको तो निकालना पड़ेगा एल, ठीक है। तो देखो ये है एच, सॉरी मतलब हाइट, तो निकालेंगे स्लाइंट हाइट कितना मिलेगा, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 25/4, क्यों इसका स्क्वायर आर, तो यहां से 36 प्लस 25/4 का होल रूट, ऐसे मिलेंगे 36 बटा 144 और प्लस 25/4 रूट, तो 169 169 और बटा 4, तो आ जा कितना 13/2, तो इसका लेंथ आ गया एल का वैल्यू 13/2, तो कितना भाग में हम करेंगे पेंट वो देखो, करे पड़ेगा पाई आर एल, ये तो करना पड़ेगा, प्लस नीचे में पाई आर स्क्वायर होता तो इसको भी करते, लेकिन एक घटाना पड़ेगा, क्यों जब इसके ऊपर रखे हैं तो नीचे वाला तो पाई आर स्क्वायर होता, कौन का वो ले लेंगे, तो जहां पर ये सटाए हैं उसको पेंट नहीं ना करना पड़ा, सताए किसको थे, सताए थे सिलेंडर का, तो सिलेंडर का यहां पर क्या है सर्किल, तो यहां पर पाई आर स्क्वायर को माइनस करेंगे, सब में पाई कॉमन ही निकाल दो, यानी 22/7 निकाल देंगे। अब ध्यान देना ये आर कौन सा होगा बड़ा वाला, इसका 5/2, एल कितना आया 13/2 प्लस आर 13 5/2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, पाई रहने दो 13 5/65/4 25/4 -4 पाई, ये दोनों को पहले कैलकुलेट करो, जोड़ दो 5 5 10 6 2 8 1 9 4 -4 काट दो 2 से 45 22/7 गुना, ध्यान देना 2 जाएगा तो 8, 45 में से 8 जाएगा तो 37, तो आएगा 22 × 37/7, इतना भाग हम पेंट करेंगे ग्रीन से, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज इन मेकिंग द टॉय, टॉय को बनाने में कितना वॉल्यूम यूज हुआ, तो सबसे पहले तुमको सिलेंडर चाहिए यानी पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, प्लस हमको चाहिए कोन, और कोन का आता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखो पाई कॉमन है निकाल दो, आर है कितना 2 का स्क्वायर और एच कितना हो गया बड़ा वाला का, इसका सिलेंडर का 20 प्लस 1/3 रहेगा, और कैपिटल आर जो मिला 5/2 का स्क्वायर और हाइट मिला 6, काटेगा
दूगा पाई, चार गुने बीस प्लस पच्चीस बटा चार और गुने दो, कटेगा दो बार में पाई, एलसीएम दो बीस चौके अस्सी और दू जाएगा तो 160 और प्लस 25 22 बटे सात गुने 185 बटा दो, 11 से काटो, 7 दूना 14 पचास नहीं कटेगा तो 11 गुना 185 बटा 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसके बाद सोचो क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द ट्वाइस 3 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 3 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस्ट है पेंटिंग का, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द ट्वाइस टोटल का, तो बता एक तो हमको आया कितना कॉस्ट पेंटिंग का, तो इसका आया सेंटीमीटर इतना, तो यानी हमको कह देंगे कि 264 तो आएगा लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, थ्री से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, इतना पैसा लगेगा नीचे वाला येलो का और ग्रीन के लिए ये वाला आया, तो इसको ऐड करेंगे और कितना से 3 से ये टोटल आ जाएगा पैसे में, और जितना भी आएगा पैसे में उसमें डिवाइड करना 100 में और वो आ जाएगा रुपया में। तो ये था टोटल डिस्कशन किसका, तो याद रखना मतलब ये है कि तो कैलकुलेशन है, मेन समझना था कि एक टॉपिक पढ़ लो तो बाकी सब बना सकते हो, ठीक है, चलिए आज का इतना ही।